शिक्षा के क्षेत्र में क्या करो। आपने भी देखा होगा कि जब आप गांव में घूमते होंगे तो शिक्षा का स्तर किस प्रकार का था। गांव में बच्चों को जाने के लिए रास्ते, विद्यालय के लिए रास्ते नहीं थे, वो विद्यालय के रास्ते बने। आपने देखा हो विद्यालय जब टूटे फूटे विद्यालय थे, उनकी स्थिति बहुत ही जर्जर थी, बेकार थी। आज आपने देखा होगा विद्यालय किस तरह से एक मंदिर की तरह चमक रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि शिक्षा का स्तर किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उठा है। कई विद्यालय जब चेक करने जाते थे अधिकारीगण तो टीचर्स नहीं मिलते थे, टीचर छुट्टी पर चले जाते थे, बच्चों को कोई गाइड करने वाला नहीं होता। आज आप देख रहे हो कि शिक्षा की स्तर किस प्रकार से सुधरा हुआ है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले जो नकल हुआ करती थी, आज हमारे प्रदेश में कहीं भी विद्यालय में, कॉलेज हो, विद्यालय हो, कहीं भी नकल नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि मानकों के अनुसार आपने कि हर प्रत्येक क्लास में वॉइस रिकॉर्डर भी लगा रखा हुआ है कि अगर कोई अगर बोलकर भी नकल कराना चाहता है तो वो भी आज हमारे प्रदेश में नहीं हो सकता। तो शिक्षा का स्तर तो आप लोग जानते हैं किस प्रकार से बढ़ा हुआ है। खुद कह रहा हूँ कि ये शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ऐसी उपलब्धि बता दें जैसे मैंने आपको उपलब्धि बताई है। विपक्ष में रहते हुए भी 32 करोड़ का काम प्रोजेक्ट स्वीकृत कराया था जल निकासी के लिए, जल भराव के लिए। ऐसी कोई ऐसी उपलब्धि बता दें, मैं खुली चुनौती देता हूं क्षेत्रीय विधायक को। 2017 से पहले 2017 में ही सरकार का एजेंडा ये था कि पहले हम पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे, उसके बाद जो हमारी सड़कों का जाल आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में हुआ है वो एक सराहनीय काम है। और आप लोग देख रहे हो कि लगातार इसका प्रयास हो रहा है कि कहीं पर भी कोई भी सड़क गड्ढा मुक्त, गड्ढे ना रहें, ऐसा पूरा प्रयास सरकार के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो सड़कों की जो बदहाल थी, स्थिति थी, हम लोगों ने उस समय बहुत सारे काम कराए थे। आज आप कहीं भी जाएंगे सड़कों की स्थिति ऐसी है कि आप वाहन की तो बात दूर रही, आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिरौली से लेकर के जगनी रोड से लेकर के सिरौली के लिए जो जाते हैं वहाँ पर लोग नाव डालने की तक ही बात करते हैं, पैदल नहीं चल सकते हैं। रास्ते में बहुत बड़े गड्ढे पोखर जैसी बन गए हैं, वहाँ के लोगों ने धरना भी दिया है। क्षेत्रीय विधायिका लोगों ने गुमशुदा के पोस्टर भी लगाए हैं और ये कहा है कि बाधा करने के बावजूद इस क्षेत्र में काम की बात तो दूर रही, कम से कम चेहरा दिखा दो। इसी तरह से पूरी आगरा ग्रामीण विधानसभा का हाल है। स्वास्थ्य का सवाल है तो मैंने तीन जो है अब मेरे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं ब्लॉकों पर, वो तीनों मैंने गोद ले रखे हैं और लगातार उनका निरीक्षण मैं करती रहती हूँ। और बहुत सारी स्थितियाँ वहाँ की मैंने देखी हैं और बहुत सुधार भी हुआ है। लगातार डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, गर्भवती बहनों की लगातार जांचें होती हैं। अगर कोई गंभीर समस्या किसी की, पहले हम लोग देखते थे गांव में, कहते थे कि अगर सांप काट जाता है, कुत्ता काट जाता है तो उसका प्रॉपर टीका नहीं लग पाता था, लेकिन अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही इसकी व्यवस्था की गई है। दूसरा, गर्भवती बहनों के लिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर उनको कोई गंभीर हालत है उनकी, तो उनको लाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है ताकि हम बड़े अस्पताल में उनको चिकित्सा व्यवस्था उनकी करवा सकें। पहले चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां बता रही हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत काम किया गया, तीन तीन सामुदायिक केंद्रों को गोद लिया गया है और सबको टीकाकरण हो रहा है, ये सारी चीज़ें। ना ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये केवल उनकी दिखावटी बातें हैं। पेयजल की समस्या आप लोग जानते हो कि मेरा तो एजेंडा यही था कि मैं अपने क्षेत्र की पेयजल की समस्या को पहले मुख्यतः इसको दूर करूं, क्योंकि मेरा क्षेत्र ऐसा है जहां पर खारा पानी है। अकोला हो, बिशपुरी हो, बरौली अहीर हो, तीनों ब्लॉकों में खारे पानी की समस्या है। और इस समस्या को देखते हुए मैंने राज्य सरकार को, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने एक खत लिखा था जिसमें कहा था कि मेरे जब तक बड़े टैंक से कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है पूरे गांव में, तो कम से कम वाटर एटीएम लगा दिए जाएँ। तो धन्यवाद दूंगी मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने इस समस्या को दूर किया और मुझे लगभग 10 एटीएम दिए, जिस प्रकार से जहाँ पर ज़्यादा गंभीर समस्या थी, ज़्यादा फ्लोराइड था, वहाँ पर हम लोगों ने एटीएम लगा के उस समस्या का समाधान किया। मैं 2012 से 2017 तक विधायक रहा और आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। विपक्ष में रहते हुए भी मैंने बहुत सारी परियोजनाएं स्वीकृत कराई, जिसमें अजीतपुर, धनौली, सरौली और आसपास के गाँव के कम से कम 2 लाख की आबादी उससे प्रभावित थी। जल निकासी के संबंध में पानी भराव रहता था, सड़कों पर पानी भरा रहता, गलियों में पानी भरा रहता। करीब करीब 32 करोड़ का मैंने प्रोजेक्ट स्वीकृत कराया था और उसमें काम भी चला।
दूसरा खारे पानी की समस्या को लेकर के, क्योंकि आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में खारे पानी की बहुत मूल समस्या थी, उस समस्या के समाधान के लिए मैंने ओवर टैंक अकोला बरारा नगला भूरिया भिलैनी नगला कली सहारा तमाम और पचगाई खेड़ा तमाम जगहों पर हमने ओवर टैंक के जो पानी मीठे पानी की व्यवस्था के लिए प्रावधान कराया था, काफ़ी जगह पर काम भी हुए। उसके बाद वो परियोजना जैसे कि तैसे ठस पड़ी है, आज भी पचगाई खेड़े का काम रुका पड़ा हुआ है।